बिन्त अब्दुल्ला खुद रिवायत फरमाती हैं कि जिस दिन हजरत आमना के घर में नबी करीम तशरीफ फरमा हो रहे थे, उस दिन मैं खुद हजरत आमना के पास मौजूद थी और हजरत आमना के पास खड़ी थी। और जब बच्चा जन्म लिया तो मैं घर से बाहर आई, मैं रोशनी को देखकर परेशान होने लगी। जो ही बाहर आई तो देखा कि घर के ऊपर, हजरत आमना के घर के ऊपर सितारा लटक रहा है। मुझे ऐसा डर लगा कि सितारा कहीं मेरे सर पर न गिर जाए, इसलिए मैं जल्दी से वापस आई। और वापस आने के बाद घर के अंदर चली आई। मेरे कहने का मतलब लब्बुल लबाब ये कह रहा है कि ए लोगो, आखिर क्या वजह है कि मेरे घर भी बच्चा पैदा होता है तो मैं भी चिरागा करता हूँ, मैं भी लाइट लगाता हूँ, मैं भी रोशनी लगाता हूँ, मैं भी गुब्बारा लगाता हूँ, मैं भी झंडे लगाता हूँ। मतलब ये, मेरा बच्चा जन्म हो, मेरा बच्चा का अगर कोई पैदाइश का मौका हो तो झंडा लगाता, गुब्बारा लगाता, खुशबू लगाता। लेकिन ए लोगो, जब नबी की आमद है, आका की आमद है, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, यानी नूर की आमद है, तो सितारा घर पे लटक रहा है, सितारों से सजाया जा रहा है, नूर से जगमगाया जा रहा है। ए मौला, वजह क्या है? अगर लाइट ही करना था तो जनरेटर की लाइट हो जाता, बिजली की लाइट हो जाती, चिराग की लाइट हो जाती और दूसरी लाइट होती, सितारों की लाइट की क्या जरूरत थी? तो जवाब मिलेगा इन लोगों, अरे सुनो, वो दुनिया की लाइट के, दुनिया के बच्चों के, आम बच्चों को अगर उसकी पैदाइश की खुशी में लाइट सजानी हो तो वो कोई जनरेटर की लाइट होगी, वो दुनिया की कोई, वो पेटोमैक्स की लाइट होगी, वो बिजली की लाइट होगी। लेकिन ये जाने वाला बच्चा आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का सरदार, यानी तमाम अंबियाओं के सरदार, यानी नूर बन के जा रहा है। इसलिए इसका खिलौना भी अगर होगा तो चांद ही नूर होगा, अगर इसका इशारा होगा तो चांद ही इशारा होगा, अगर इसके घर को जगमगाना होगा तो दुनिया की लाइट नहीं बल्कि एक नूर के घर को जगमगाने वाला आसमान का सितारा नूर ही जगमगाएगा। यानी लोगों, अगर दुनिया की लाइटिंग हो, दुनिया को अगर रोशनी देना हो तो दुनिया की रोशनी दे, लेकिन वो फातिमतु जहरा का वो अब्बा, यानी नबियों के सरदार हुजूर सरवरे कौनैन की पैदाइश पर अगर लाइटिंग खुदा दे तो वो किसी आम लाइट नहीं बल्कि सूरज को, बल्कि सितारे को घर पे लटका दे ताकि दुनिया जान जाए कि अगर पैदाइश नबी पर अगर लाइटिंग करा, चिरागा खुदा ने करा, तो दुनिया की लाइटिंग से नहीं, इसलिए कि वो सितारे की लाइटिंग से। क्यों? वजह क्या है कि सितारों की लाइटिंग की जरूरत पड़ी? हाँ, आओ जरा समझ तो लो कि आखिर सितारों की लाइट क्यों आई। जी हाँ दोस्तों, मेरा बच्चा का भी जब पैदाइश होता है तो मैं भी लाइटिंग करता हूँ। अगर कोई प्रधानमंत्री का बच्चा पैदा होता है तो वो भी लाइटिंग करता है, कोई राष्ट्रपति का बच्चा अगर होता है तो वो भी लाइटिंग करता है, वो अमेरिका के अगर राष्ट्रपति का बच्चा हो तो वो भी लाइटिंग करता है, दुनिया के बड़े बड़े अमीर, वो अडानी अंबानी का बच्चा पैदा हो तो वो भी लाइटिंग करता है। लेकिन याद रखो लोगों, दुनिया की लाइटिंग करना होता है तो दुनिया की लाइट होती है, लेकिन आखिरी पैगंबर अगर आ रहा है तो उसकी लाइटिंग सितारों की लाइट से क्यों, उसकी लाइटिंग सितारों की जगमगाहट से क्यों? इसलिए कि मेरे नबी चेहरे पाक में जवाब नहीं, मेरे नबी के जिस्म पाक का जवाब नहीं, मेरे नबी के जमाल पाक का जवाब नहीं, मेरे नबी के जमाने का भी जवाब नहीं, मेरे नबी के दोस्त का भी जवाब नहीं, हत्तल इम्कान ये कहो कि मेरे आका का दुश्मन का भी जवाब नहीं, यानी दुश्मनी में कोई जवाब नहीं दे सकता, दोस्ती में कोई जवाब नहीं दे सकता, जमाने में कोई जवाब नहीं दे सकता, उम्मती में कोई जवाब नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह ने पैदाइश के मौके पर सितारों की लाइट की ताकि दुनिया जान जाए जिस तरह जमाल में कोई जवाब नहीं, जमाने में जवाब नहीं, उसी तरह इनके चिरागा का भी लाजवाब कर दो ताकि इसमें भी कोई जवाब न दे सके।
यानी मेरे आका की आमद की लाइटिंग को इसलिए लाजवाब किया ताकि जमाना कल ये न कहे कि लाइट में तो उनका जवाब हो गया था, उनकी आमद के चिरागा का तो जवाब हो गया था। अरे खुदा जिसे बनाए बेमिसाल तो दुनिया क्या दे सके मिसाल, खुदा जिसे बनाए बेमिसाल दुनिया क्या दे सके मिसाल। इसलिए लोगों हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आकाए दो आलम सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हो गए। इसलिए कुछ अशार मैं आका की आमद के मुताबिक सुनाता हूं, लेकिन एक बार और मचल के दरूदी पाक पढ़े। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना कुलूबना बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैके या रसूलल्लाह। अनवार के बादल, अनवार के बादल छाए हैं, अनवार के बादल, अनवार के बादल छाए तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। अनवार के बादल, अनवार के बादल छाए हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, अनवार के बादल छाए शरीफ मोहम्मद लाते हैं। जिब्रील आलम, जिब्रील आलम लहराते हैं, शरीफ मोहम्मद लाते हैं, शरीफ मोहम्मद बोले आप लोग, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, तशरीफ। और अब यहां देखें कि जब मेरे नबी आए थे तो जिन्नो बशर हूरों मलक सब लोग क्या कर रहे थे, जरा अब दुनियावी नहीं जन्नती माहौल को जरा नजर आ फरमाए। ये जिन्नो बशर क्या हूरों मलक, ये जिन्नो बशर क्या हूरों मलक, क्या शजरो हजर क्या बरगो समर, क्या शजरो हजर क्या बरगो समर, ये जिन्न बशर क्या हूरो मलाक, क्या शजरो हजर क्या बरगो समर, क्या शजरो हजर क्या बरगो समर। सब गीत खुशी के, सब गीत खुशी के गाते हैं, क्यों तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, क्यों क्यों तशरीफ मोहम्मद, पढ़े पढ़े तशरीफ मोहम्मद। और ये शेर पर मुझे उम्मीद है कोई नहीं चुप रहेगा, इसलिए हुजूर आला हजरत के उस शेर से मिलाया कि लमियात नसी, लमियात नसी रोक पी नजरी, लमियात नसी रोक पी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, लमियात नसी रोक पी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, लमियात नसी, लमियात नसी रोक पी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, क्या तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। अनवार के बादल, अनवार के बादल छाए हैं, अनवार के बादल, अनवार के बादल।
تشریف محمد لاتے ہیں. اور آخری شعر کہ جب ہم چراغاں کرتے ہیں, جب ہم لائٹنگ کرتے ہیں, جب ہم وہ جھنڈا لگا کے جلوس محمدی نکالتے ہیں یا اپنے آقا کا جب وہ محفلیں سجاتے ہیں, تو جب کسی کو درد ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے, باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے, باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے, حق کا پرچم لہراتا ہے, باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے, باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے, حق کا پرچم لہراتا ہے, باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے. سبحان اللہ, لگے چھ کہ بونی کرال سوچا کر رکھ لو کرے. اچھا, اللہ تعالیٰ جن دھن اکاؤنٹ سے دوبارہ ایک راس نہیں ملے گا تو فری کے طور پر. جن دھن والا تو خیر آج کل بڑا گڑبڑ چلی رہا ہے, اور جن دھن لوگ کہے چھ 15 لاکھ دکھا کے 500 ٹکا میں لولی پاپ سن کر سمجھا دلکھے نا, وہی حال ہے. بہر کیف یہ نذرانہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ, اور لینا حضرت حسان کی سنت ہے سبحان اللہ. اس لیے اگر کوئی دیتا ہے تو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں, اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو زبردستی مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ دینا محبت ہے, لینا محبت ہے. اللہ اگر کسی سے دلائے تو محبت میں دلائے, اور لے تو کوئی محبت میں لے. اگر دینے والا دل سے پیار سے اگر 2 روپیہ دیا, اگر نبی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا, تو دوستو وہی 2 روپیہ راہ نجات ہوگا, اور وہ حشر کے میدان میں میزان عمل پر جب اس کے عمل تولے جائیں گے تو اس دن وہ 2 روپیہ کی وجہ سے اللہ کے نبی اس کے نیک اعمال میں بڑھوتری عطا فرمائے گا, اور وہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پل صراط کو پار کرے گا, اور مسکراتا ہوا جنت میں مچلتا ہوا چلا جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم سرور کونین کی وہ پیار ہے, اس لیے ادھر نہیں جا کے شعر سماعت فرمائے. باطل کا کلیجہ پھٹتا ہے, حق کا پرچم لہراتا ہے. یعنی جب میرے نبی خانہ کعبہ میں آئے تھے تو خانہ کعبہ اس وقت وہاں پہ بتوں سے بھرا ہوا تھا. کوئی بت بیٹا والا تھا, کوئی بت بیٹی والا تھا, کوئی بت دولت والا تھا, کوئی بت کسی سے دشمنی کا اچت فیصلہ دلانے والا تھا. مطلب خانہ کعبہ بتوں کا اڈا بنا پڑا تھا. لیکن یاد رکھو, جب میرے نبی حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے, آمنہ کی گود میں آنے کے بعد حضرت ابو حضرت عبد المطلب ان کے دادا نے حضور سرور کونین کو ایک کپڑا میں لپیٹتے ہیں, اور لپیٹ کر حضرت عبد المطلب سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں, اور خانہ کعبہ کی طرف جب جا رہے تھے اتنے میں کچھ کسان آ رہا تھا. کسان جب خانہ کعبہ کے پاس آیا تو ایک کسان کہہ رہا تھا, ارے آج تو میں کھیت میں دیکھا عجب معاملہ ہو گیا. اس کسان نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جس کھیت میں میرا کبھی فصل نہ اپجتا تھا آج میں دیکھا اس کھیت کی فصلیں ہری بھری نظر آ رہی ہے. کل فصلیں سوکھی تھی آج ہری نظر آ رہی ہے. اتنے میں ایک پھلواری کا مالک باغیچہ کا مالک کہتا ہے ارے اس سے بھی تو گزب میرے پاس ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا سنو سنو, جس باغیچہ کو میں نے بنجر سمجھ لیا تھا, جس باغیچے سے ہریالی ختم ہو گئی تھی, جس باغیچے میں کبھی پھل نہ آتا تھا, آج میں نے صبح گیا دیکھا ابھی کہ باغیچہ ہرا بھرا ہے, پتے ہرے بھرے ہیں, اس پہ بن موسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص سے کہا, ایک کسان